सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्जुन रोशन, आप देख रहे हैं लेजेंड्स एंड मिथ्स चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ऑसम वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Legends and Myths presenting Krampus the Evil Santa। क्रिसमस का इंतजार तो हम सबको रहता है, लेकिन शैतान बच्चों को क्रिसमस से तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि जैसा सेंटा क्लॉस होते हैं वैसे भी उनका एक नेगेटिव वर्जन भी होता है जिसका नाम है द क्रैम्पस। क्रैम्पस के बारे में काफ़ी मूवीज बन चुकी है, लेकिन उसकी ओरिजिन्स किसी भी मूवी में नहीं बताई गई। तो चलिए उसकी ओरिजिन जानते हैं। चलिए क्रैम्पस का ओवरव्यू देखते हैं। तो इसका शरीर लगभग 6 फीट का है और इसके सर पे 2 बड़े बड़े सींग हैं हिरन की तरह, और ये एक आधा जानवर और आधा शैतान का मिश्रण से बना हुआ है। ये सेंटा क्लॉस जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता, और ये तकरीबन 6 दिसंबर को बाहर निकलता है लोगों को पनिश करने के लिए, यानी जो छोटे बच्चे हैं उनको उठाने के लिए, और ये उनको उठा के अपने साथ ले जाता है। लॉस माइथोलॉजी के हिसाब से अगर हम क्रैम्पस की ओरिजिन्स देखें तो उसके मॉम का नाम था हेला, जो कि मरे हुए लोगों की दुनिया की रानी है, और जिसका नाम है हेलहाइन। वो हमारे ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब गॉड ऑफ मिस्चीव लोकी है, उनकी बेटी है। और अगर हम क्रैम्पस की बात करें तो क्रैम्पस अपने साथ एक बड़ी सी चेन लेके घूमता है, और उसके पास एक स्टिक भी है जिससे वो बुरे बच्चों को मारता है, और तो और वो चेन से उन लोगों को बांध के अपने साथ अपनी गुफा में ले जाता है। दिसंबर के दिन ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, जर्मन और यूएसए जैसे बड़े देशों में क्रैम्पस नाइट बनाया जाता है, जिसमें बड़े लोग क्रैम्पस की कॉस्ट्यूम पहन के छोटे बच्चों को डराते हैं। कुछ लोग तो नशे की हालत में छोटे बच्चों के पीछे ही पड़ जाते हैं, और इससे काफ़ी लोग परेशान भी हो जाते हैं। कुछ लोग तो नशे में किसी भी आदमी को देख के उसे डराने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से सेंटा क्लॉस और क्रैम्पस की हमेशा से ही आपस में दुश्मनी रही है, और वो एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं। काफ़ी ग्रीक ओलंपस फाइट्स में हमें उन दोनों का जिक्र दिखाया गया है, जो कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और तो और सेंटा क्लॉस के और 6 मेन विलन्स भी हैं, जिसके बारे में आपको नेक्स्ट या अगले वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ तक थी इसकी ओरिजिन। तो चलिए बात करते हैं इसके अस्तित्व के बारे में, कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो जर्मन की काफ़ी स्टेट्स में इस चीज़ को देखा गया है, यानी क्रैम्पस को देखा गया है। अभी लोगों को तो पता नहीं कि क्रैम्पस होता है कि नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों ने उसके एनकाउंटर्स की बात की है कि उन्हें क्रैम्पस सच में दिखा है और वो लोगों को ले जाता है। काफ़ी मिसिंग कंप्लेंट्स भी आई है बच्चों के बारे में, और लोगों का मानना है कि कोई सेंटा क्लॉस जैसा 6 दिसंबर के दिन उनके बच्चों को गायब करके ले जाता है। इसी घटनाओं के कारण काफ़ी लोग क्रैम्पस को पूजते हैं, जिससे कि क्रैम्पस उनके बच्चों को ना ले जाए, और अपने बच्चों को डिसिप्लिन भी सिखाते हैं ताकि कोई भी मिसिंग कंप्लेंट्स और ना आए। जर्मन के पुलिस स्टेशंस में भी बहुत सारे मिसिंग कंप्लेंट्स हैं, जो कि 6 दिसंबर के रात के हैं, और इससे पता चलता है कि काफ़ी शैतान बच्चे मिसिंग हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। तो इसके पीछे की मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व है कि ये क्या हो रहा है। ऐसे ही एक घटना हुई थी सैम विल्सन नाम के छोटे से 6 साल के बच्चे के साथ। वो काफ़ी शैतान बच्चा था, लेकिन जब वो 6 साल का हुआ, उसका बर्थडे 6 दिसंबर को ही था, और उसको 6 दिसंबर के रात बर्थडे की नाइट से पहले, पार्टी से पहले उसे गायब कर लिया गया था, जिससे उसके मॉम डैड बहुत परेशान हो गए थे। पहले तो उन्हें लगा कि वो उनके साथ शरारत कर रहा है, लेकिन अगले दिन उनके ना उसके ना मिलने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इसी के साथ उनका बेटा उन्हें कभी नहीं मिला।
और यही ये कहानी ख़त्म हो जाती है। ये कहानी रियल स्टोरी पे है और ये 1987 में घटी थी। आज तक उन्हें उनका बेटा नहीं मिला। आप में से काफ़ी लोग तो सेंटा क्लॉस पे भी विश्वास नहीं करते होंगे कि वो रियल में एग्जिस्ट करता है, लेकिन मेरे दोस्तों सेंटा क्लॉस और ग्रैम्पस दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। इसका लाइव प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना जो कि तकरीबन अगले महीने आएगी, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि सेंटा क्लॉस का रियल फुटेज भी हमारे पास कैद हो चुका है और हम क्रैम्पस के बारे में भी बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे उस वीडियो में। टिल देन टेक अ ब्रेक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।